Good morning, this is Anupama Lapre and I am here for your subject HRM. And in today's lecture, I am going to explain you the purposes of job description and then job specification, its objectives, its advantages and limitations. Okay, so let us start with purposes of job description. तो हम लोग आज पहले देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन के क्या पर्पजेस है, उसके उद्देश्य क्या है. हमने कल देखा हुआ था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं. तो कंटेंट्स भी देखे हैं, लेकिन उसके क्या जरूरत क्या है, क्यों हमें जॉब डिस्क्राइब करना है, ये आज हम लोग देखते हैं. टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डेटा. देखिए, अगर हमें कुछ भी करना है कंपनी में, एक काम करना है हमें, हमने वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए हुए हैं, हमें लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है, प्रॉपर सिलेक्शन होना जरूरी है. तो इसके लिए सबसे जरूरी है, वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब, देन ओनली वी कैन सिलेक्ट अ प्रॉपर पर्सन फॉर अ प्रॉपर जॉब. बराबर है. और ये भी हमने देखा था कि जॉब डिस्क्राइब हम लोग इसलिए करते हैं टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द जॉब, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैन, मशीन, मटेरियल एंड कैपिटल. तो ये जब तक के हम लोग उसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलता है कि कितने मैन रिक्वायरमेंट है, मैन पावर कितने चाहिए, हमें मशीन्स की कैपेसिटी कैसी चाहिए, कितनी चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, फिर उसको परचेस करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए या वो पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ कैसे होगी, तो ये सब कुछ ये जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है. देन टू अट्रैक्ट राइट कैंडिडेट. देखिए, ये भी है, यू हैव टू लिस्ट डाउन द वेरियस जॉब्स इन अ प्लान. वो जॉब जब हम लोग लिस्ट करते हैं तो साथ ही साथ हम लोग वो लिस्ट में ये भी बताते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. ये जॉब है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी, व्हाट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, व्हाट अदर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज आर ऑल लिस्टेड इन अ जॉब डिस्क्रिप्शन. दिस हेल्प्स टू अट्रैक्ट अ राइट कैंडिडेट फॉर योर प्लान. जब हमें पता चलता है कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ये जॉब यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ तो मुझे प्रमोशन के इतने चांसेस है, मेरी सैलरी इतनी बढ़ सकती है, मेरा स्टेटस इतना बढ़ सकता है, ये पूरा का पूरा वो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है कि ये स्टैंडर्ड्स है, ये अगर फुलफिल किए जाते हैं तो आपको ये प्रमोशन के चांसेस है, आपको ये पोजिशन पे प्रमोशन दिया जाएगा. तो ये जब पता चलता है कैंडिडेट को, तो अच्छे जो कैंडिडेट है वो ऑल अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स द कंपनी. देन हेल्प्स टू रिक्रूट एंड सिलेक्ट राइट कैंडिडेट. इफ यू नो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब, देन इट इज़ वेरी इजियर फॉर द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट अ राइट पर्सन. हमें पता है कि जॉब क्या डिमांड कर रहा है, तो हमें ये भी पता है कि ये जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सन्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर द मैनेजमेंट टू रिक्रूट अ राइट स्टाफ. देन क्लैरिफाइज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज, एज इट क्लैरिफाइज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब इन द सेम वे इट क्लैरिफाइज व्हाट एम्प्लॉयज हैज टू डू फॉर परफॉर्मिंग हिज जॉब. जब ये पता चलता है तो एम्प्लॉई के बीच में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, उसको पूरी तरह से बताया जाता है कि आपको ये जॉब परफॉर्म करना है, ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, आपको इसे रिपोर्टिंग करनी है. तो ये जो क्लैरिफिकेशन एम्प्लॉयज के पास रहता है तो ही कैन परफॉर्म हिज जॉब वेरी इजीली. देन क्लैरिफाइज हु विल रिपोर्ट टू होम. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लियर कट आइडिया दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसे वो जॉब किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके सुपीरियर्स कौन होंगे, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे, टू होम ही इज़ इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल, ये सब कुछ वो जॉब जो है वो डिस्क्राइब करता है. इसलिए अगर वो ये जो बताए हुए जॉब के डिस्क्रिप्शन में उसे अगर अच्छी तरह से रीड कर लेता है, समझ लेता है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये भी पता चल जाता है कि टू होम ही हैज़ टू रिपोर्ट. हमने जब पर ये देखे थे कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें हमने ये भी देखा हुआ था कि ये जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें किनको रिपोर्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है, फिर कौन उनके सुपीरियर्स होंगे, सुपरवाइजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई थी कि उसे कितने पर्सन्स को सुपरवाइज करना है,
कैस किस तरह की उसके नेचर ऑफ वर्क होगा, तो ये जो है दैट इज हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर जॉब इन अ एफिशिएंट वे. ठीक है, दीज आर द purposes of that job description, and that's why job description is a very important process, or you may say the step in framing the organizational structure. Okay, chalo abhi hum log next is pe jaate hain, that is job specification. हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, जॉब के एनालिसिस देखी है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखा हुआ है, इवैल्यूएशन ऑफ जॉब देखा हुआ है. नाउ वी विल सी व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन? इट इन्वॉल्व्स लिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू मीट जॉब डिस्क्रिप्शन. देखिए, जॉब डिस्क्राइब करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इसलिए आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है. जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन ने पूरी तरह से बता दिया है कि ये ऐसा जॉब रहेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन से रहेगी, उसे फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ आपको ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो एम्प्लॉयज़ को भी क्या काम करना है, ये पूरा इसका हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं. आजकल कोरोना है, कोरोना में आप अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन करना चाहते हो तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते. एक रफ ड्राफ्ट आप तैयार करके हो, समझ लीजिए आपके घर में शादी है, शादी है तो आपने ये बताया, ये कर लिया है कि मुझे ये मेनू बनाना है, मेनू बनाना है तो आपने बताया कि दो ये रहेंगी, दो नहीं चार, अच्छा चार सब्जियाँ रहेगी, तीन टाइप्स के आपके यहाँ पे रोटी पराठा नान जो भी होगा वो, पांच कम से कम मीठे ये चाहिए, ये आपने पूरा का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया ये चाहिए. अब स्पेसिफिकेशन देखिए क्या रहेगा, पाँच स्वीट्स कौन से पर्टिकुलरली आपको वो अभी तय करने हैं कि वो कौन से रहेंगे. फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है किसको इनवाइट करना है, इनविटेशन. अभी से 50 लोगों में आपको शादी निपटानी है, बराबर है, तो उनका सिलेक्शन जो रहेगा दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. तो फिर इसको नहीं बुलाया तो भी चल जाता है, उसको बाद में ऐसे इसमें बुला सकते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है, जो उस प्रोग्राम में अटेंड होना जरूरी है, अनिवार्य है, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाते हो और उनको ही स्पेसिफिकली कार्ड्स भेजते हो. तो जॉब स्पेसिफिकेशन वही है, आपने वहाँ पे देखा उनकी क्वालिटीज़ क्या है, इस तरह से उन्हें आपने उनको इनवाइट किया है. ये जॉब स्पेसिफिकेशन भी इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट करता है फॉर परफॉर्मिंग द जॉब. अब कैसा वो देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स लिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वालिफिकेशन, उनके क्या क्वालिफिकेशंस होंगे जिस बेसिस पे आप उन्हें रिक्रूट करना चाहते हो. देन द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब. क्वालिफिकेशन ही सिर्फ ये नहीं है, तो उसमें स्किल्स भी होनी चाहिए. हम लोग देखते हैं कि क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन के कई कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हर एक की उतनी स्किल नहीं होती है फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, बराबर है. तो स्किल जरूरी है, एबिलिटीज जरूरी है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू मीट द जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन ने बताया है कि ये जॉब की एक्सपेक्टेशन से है, ये उसे काम परफॉर्म करना है. अब वो काम जो परफॉर्म करना है, द जॉब विच ही हैज़ टू परफॉर्म, देन ही मस्ट मीट ऑल द रिक्वायर्ड एबिलिटीज, ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स, बराबर है. तो ये यहाँ पे बताया जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन में पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज से क्या डिमांडिंग है. दिस स्पेसिफिकेशंस आर नीडेड टू डू जॉब सेटिस्फैक्ट्री. ये क्यों जरूरी है, हम लोग देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ले लो लोगों को, जो भी सामने आ रहा है उसको ले लो, इस तरह से कंपनी चलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगी. क्या है, अगर जॉब सेटिस्फैक्ट्रीली परफॉर्म करना है, आपको अगर आउटपुट देनी है, तो यू हैव टू रिक्रूट द प्रॉपर पर्सन एंड दैट प्रॉपर पर्सन इज सिलेक्टेड थ्रू जॉब स्पेसिफिकेशन. देन देखिए एक हम लोग डेफिनेशन देखते हैं एडविन फ्लिपो की, उन्होंने ये बताया है, और जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली. यानी इतनी तो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज से फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब सेटिस्फैक्ट्रीली. अगर वो इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके पास में नहीं है, उसकी स्किल उसके पास में नहीं है, तो यू कैन नॉट रिक्रूट दैट पर्सन. और हमने ये भी देखा था, अगर आपकी तरफ से रिक्रूटमेंट
सिलेक्शन जो है वो गलत हो गया, सिलेक्शन के बाद आपका प्लेसमेंट भी गलत हो गया है, तो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, जो गोल्स है, एम्स है, दैट विल नॉट बी अचीव, बराबर है। तो क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन एम्प्लॉयज से क्या एक्सपेक्टेशन से बताता है। जॉब डिस्क्रिप्शन ने क्या बताया है, जॉब को डिस्क्राइब किया है, उसमें जॉब के भी क्या होने चाहिए, जॉब कैसा होना चाहिए उसके एक्सपेक्टेशन भी बताए, साथ ही साथ एम्प्लॉयज के भी। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिकेशन ये वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिकली व्हाट द जॉब इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज, दैट इज नोन एज द जॉब स्पेसिफिकेशन। चलो अब देखते हैं ये कंपोनेंट्स क्या है जॉब स्पेसिफिकेशंस के। फर्स्ट वन इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हर जॉब की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी, अपनी अपनी डिमांड होती है। तो हाइट चाहिए, वेट चाहिए, उसकी साइट अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कई बार आपने ये देखा होगा, पुलिस भर्ती आपने जनरल ये देखा होगा, कई लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया होगा। कई बार वो पर्सन इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि उसकी हाइट उतनी नहीं है, उसका वेट वैसा नहीं है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए वो कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इवन दो ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड है लेकिन क्या नहीं है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी हाइट, उतना वेट, ऐसी आई साइट होनी चाहिए। जनरली आई साइट एयरफोर्स में जब आप पायलट के लिए अप्लाई करते हो तब ये देखा जाता है कि उसकी साइट अच्छी है या नहीं। अगर उसकी साइट अच्छी नहीं है तो उसको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है, ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। हर एक जॉब की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है। ये अगर आप हाइट वेट इसके आप बाकी सर्विस सेक्टर में नहीं देखोगे, जैसे आईटी में ये नहीं देखा जाएगा कि उसका वेट कितना है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वेदर ही इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज जॉब। उसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, उसको हार्डवेयर का नॉलेज है, जो भी एक्सपेक्टेशंस होगी आईटी से रिलेटेड वो देखी जाएगी और उसको वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, बराबर है। तो इसीलिए जॉब स्पेसिफिकेशन से पर्टिकुलरली एक जॉब के लिए फ्रेम किया जाता है, हर एक के लिए, यूनिवर्सल ये नहीं है। समझ में आया, जॉब अलग अलग है, अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। देन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ये ज़्यादा हेल्पफुल कहा होती है, जैसे जैसे मैनेजमेंट लेवल बढ़ती जाती है उस तरह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है इट इज़ मोर रिक्वायर्ड, बराबर है। लेकिन आप अगर समझ लीजिए कि एकदम ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं, वेर यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर सुपीरियर्स, देन यू डू नॉट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। जब वहाँ पे नहीं है तो ये जॉब में आप ये नहीं देखोगे कि क्या जिस वर्कर को मैंने रिक्रूट किया है उसमें डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है या नहीं है। व्हाट यू विल सी, वेदर ही इज अ ऑबीडियंट पर्सन, वेदर ही इज अ ऑबीडियंट वर्कर और नॉट, ठीक है। तो ये देखा जाता है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए। देन एनालिटिकल व्यू, मेंटल हेल्थ ये भी कंसिडर की जाती है भाई सिलेक्टिंग द एम्प्लॉई। तो इसलिए जॉब स्पेसिफिकेशन देना जरूरी होता है। देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक के हमने ये देखा हुआ है कि टोटल हम लोग ये देख रहे हैं कि जॉब परफॉर्म करना है तो एम्प्लॉयज ऐसे ऐसे हमें रिक्रूट करने हैं। लेकिन जब हम लोग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो द पर्सन टू होम यू आर सिलेक्टिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। दैट मीन्स द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई, मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई, द एंथुसियाज्म टू डू द वर्क, देन द लीडरशिप क्वालिटीज एक्सेट्रा, बराबर है। ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो भी जॉब स्पेसिफिकेशन में यू हैव टू मेंशन व्हाई स्पेसिफाइंग और व्हाई मेंशनिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब। देन क्वालिफिकेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब हम वो काम कर रहा है, पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब, ये क्लियरली उसको पता होना चाहिए, बराबर है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे जो पता है वो मैं काम करते जा रही हूँ, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। आई मस्ट नो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय जॉब टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। देन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होते हैं,
एकेडमिक यहाँ पे आ गया है, क्वालिफिकेशंस जब हम लोग बोलते हैं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी आ जाता है एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। जैसे कि हमें हायर लेवल मैनेजमेंट या की मैनेजरियल पर्सनल की हमें वहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी है तो हम लोग क्या देखेंगे कि उनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है या नहीं है, फिर उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया है, उनकी लीडरशिप स्टाइल किस तरह से है, वो स्किल उनमें है या नहीं है, ये कंसिडर किया जाता है और यही जॉब स्पेसिफिकेशंस बताता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस क्या है। अभी इसी से कैरेक्टर, जब हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं तभी हमें पता चल जाता है इसके एडवांटेजेस क्या है, इवन दो वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। हेल्प्स इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। बिल्कुल, सिलेक्शन की जो प्रोसीजर होती है प्रिलिमिनरी क्या है उसकी, रिक्रूटमेंट। तो इसलिए हम लोगों को क्या देखना है कि ऐसे ही लोग जो है वो आपके यहाँ पे अप्लाई करें, ऐसे ही लोग जो है वो आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए। तो इसलिए आप जॉब स्पेसिफिकेशन से स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि अगर आप में ये क्वालिटीज़ है, जैसे आपका ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये आपके क्वालिफिकेशंस होगी, देन ओनली यू शुड अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, या बता देते हो। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। देन हेल्प्स इन गिविंग ड्यू जस्टिफिकेशन टू ईच जॉब। देखिए जस्टिफिकेशन यानी क्या होता है, समझ लीजिए मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट दे दिया है जो मैंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है। एक कॉमर्स के लोगों को इंजीनियरिंग या मेडिकल का सब्जेक्ट दे दिया है तो क्या यू विल जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? बिल्कुल भी नहीं, आप जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ना तो जस्टिफिकेशन दे सकोगे और आपसे निकले हुए जो स्टूडेंट्स भी रहेंगे वो भी मालूम नहीं कैसे रहेंगे। आजकल तो दिख ही रहे हैं कॉमर्स के भी स्टूडेंट कैसे निकल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है ना। चलो ठीक है छोड़ो। हेल्प्स इन ड्यू जस्टिफिकेशन टू ईच जॉब। तो ये देखा जाता है कि क्या वो पर्टिकुलरली वो जॉब परफॉर्म करने के लिए तैयार है। अगर वो है, वो कैपेबल है, उसमें उतनी एबिलिटी है तो ही क्या होने वाला है, ही विल जस्टिफाई हिज जॉब। देन हेल्प्स इन डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए ये बहुत जरूरी होता है, एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपने छोड़ दिया ये नहीं है। आपको उन्हें, जैसे हमें मालूम है हम लोग डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन हमारी बढ़ रही है, पहले समझ लीजिए कि नहीं थी कंपटीशन अब आ रही है, बाहर के लोगों के साथ भी आपको कॉम्पीट करना है, सिर्फ आपके यानी विद इन नेशन विद इन कंट्री नहीं तो आपको आउटसाइडर्स से भी करनी है। उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, प्राइस कट क्या है, सबके साथ आपको कॉम्पीट करना है। और इससे तैयार करने के लिए आपने जो आपका स्टाफ जो पहले सिलेक्ट किया है उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो किस तरह की ट्रेनिंग अभी हमें प्रोवाइड करनी है, किस तरह से डेवलपमेंट हमें हमारे एम्प्लॉयज़ में लाना है, ये देखने के लिए भी ये जॉब स्पेसिफिकेशन है इज़ वेरी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। देन हेल्प्स द सुपरवाइजर्स फॉर काउंसिलिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। बिल्कुल, ये जॉब स्पेसिफिकेशंस है यानी एम्प्लॉयज ऐसा होना चाहिए, उसने इस तरह से काम करना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस अप टू स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये जो उसके सुपरवाइजर्स होते हैं उसे इजीली पता चलता है। वो कंपेयर करता है दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। ये कंपेयर करने के बाद जरूरत है तो उसे काउंसिलिंग प्रोवाइड करता है, उसका परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करता है। और यही जरूरी होता है एक कंपनी में टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स इन जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को इवैल्यूएट करना है यानी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी जॉब स्पेसिफिकेशन ये बहुत जरूरी होता है। देन हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन, ट्रांसफर एंड गिविंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। देखिए अगर आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, अप टू द एक्सपेक्टेशंस है या उससे भी ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपसे मिल रहा है तो मैनेजमेंट को जितने आपके लोग हैं उनमें से प्रमोशन किसे देना है, किसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने हैं, किसे इंसेंटिव देना है, ये फाइंड आउट करने के लिए ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो
मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द जॉब डिजाइन. ओके थैंक यू.